हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट के लिए जिनके मार्क्स क्वालिफाइंग कट ऑफ से पीछे रह गए थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब नीट का रिजल्ट आया था तो एनटीए ने एक क्वालिफाइंग कट ऑफ रिलीज करी थी, मतलब इसके ऊपर आपके मार्क्स है तभी आप क्या कर पाएंगे, काउंसलिंग को करा पाएंगे। जैसे कि वहाँ पर एनटीए ने जो रिलीज की थी क्वालिफाइंग कट ऑफ वो कितनी थी, जनरल कैटेगरी के लिए 137 और ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये जो क्वालिफाइंग कट ऑफ थी वो कितनी थी, 107 थी। तो इसके ऊपर आपके मार्क्स थे तभी आप क्या कर पा रहे थे, काउंसलिंग को करा पा रहे थे, और जिनके इससे कम मार्क्स थे वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो गाइस इसी के रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनसीआई से हमने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, और ये जो नोटिस है वो आज का ही नोटिस है, 9/11/2023 का। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि अब आपकी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 5% रिड्यूस कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट रिडक्शन ऑफ मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑफ नीट यूजी कोर्सेस एंड ए आई ए पी जी टी, साथ में यहाँ पर नीट यू जी का भी और ए आई ए पी जी टी की जो काउंसलिंग हो रही है उसके लिए भी ये जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 5% रिड्यूस कर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एडमिशन टू आयुष अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज डिसाइडेड टू लोअर द कट ऑफ परसेंटाइल बाई 5% अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ एडमिशन टू यू जी एंड पी जी कोर्सेज। तो आप देख सकते हैं पहले जनरल और ई डब्ल्यू एस का जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल था वो कितना था, 50% था, तो और ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो कितना था, 40% था। तब इसी को रिड्यूस करके 5% यहाँ पर क्या किया है, रिड्यूस करके कितना हो गया है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें 45% हो गया, ओबीसी एससी एसटी की बात करते तो यहाँ पर कितना हो गया, 35% हो गया है। तो अगर मैं आपको मार्क्स के बेसिस पर बताऊं कि अब आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ कितनी हो गई है आफ्टर 5% रिडक्शन रूल, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स कितने हैं, 120 टू 125 के आसपास है, तो आप क्वालिफाइंग रहेंगे काउंसलिंग के लिए। फिर अगर हम बात करें किसकी, ओबीसी एससी और एसटी की बात करें कि आफ्टर 5% रिडक्शन रूल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर 5% रिडक्शन, तो जनरल के लिए इतना, और ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 95 to 100 के आसपास है तो आप क्या हो जाएंगे, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया सभी जगह तो काउंसलिंग अब एंड होने को आ गई है, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है कि फर्दर इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द परसेंटाइल रिडक्शन, जैसे मतलब ये परसेंटाइल रिडक्शन रूल इम्प्लीमेंट हुआ है एंड सब्सिक्वेंट काउंसलिंग प्रोसेस इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन टू आयुष एंड यूजी कोर्सेज। तो यहाँ पर यूजी कोर्सेज या आयुष के कोर्सेज में एडमिशन की जो कट ऑफ डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले जो कट ऑफ डेट थी वो कितनी थी, 20 नवंबर थी, तो यहाँ पर 20 नवंबर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इस एडमिशन कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर और इन्होंने बोला है कि काउंसलिंग अथॉरिटीज आर आल्सो एडवाइज टू अलाउ फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर रिमेनिंग राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। हाँ, तो और साथ में इन्होंने ये बोला है कि जितने भी काउंसलिंग अथॉरिटीज है उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप एक बार फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन कीजिए, ताकि जो लोग एलिजिबल नहीं थे तो वो फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। तो गाइस गुड न्यूज़ है, तो जिन लोगों ने भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। तो आपको फिर से यहाँ पर एक मौका दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनके क्वालिफाइंग कट ऑफ से कम मार्क्स थे तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी क्या होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे और आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यहाँ पर द पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रिमेन सेम। हाँ, अगर पीजी की बात करें तो उसका एडमिशन कट ऑफ डेट तो सेम है, जो कि 16 दिसंबर है। द डाटा ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट कैटेगरी वाइज आफ्टर रिडक्शन ऑफ 5% रिडक्शन विल बी सेट शॉर्टली। और साथ में इन्होंने ये बताया है कि जो 5% रिडक्शन रूल के बाद एलिजिबल कैंडिडेट से उनकी लिस्ट भी यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी कुछ समय के बाद। तो गाइस ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरी इंस्टा आई डी है @amanjaiswal30, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @amanjaiswal30। और आपके जो भी डाउट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो या AAACS से हो, किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurvedawings उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड सारा कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।